वाला दोस्तों सिलाई मशीन में धागा कैसे डालते हैं। दोस्तों सिलाई मशीन में धागा डालने का आसान तरीका मैं इस वीडियो में आप लोगों को बता रहा हूं। आइए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। इस वीडियो में आप लोगों को दो तरीका बताऊंगा, एक छोटा मशीन और एक दोस्तों बड़ा मशीन। ये दोस्तों 103 बनना बड़ा मशीन है, इसमें पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसके बाद आपको छोटा मशीन में दिखाऊंगा किस तरह से धागा को डालते हैं और डालने का आसान तरीका स्टैंड है। ठीक है, इसको आपको यहाँ पर इस तरह से धागा को लगा लेना पड़ेगा। साइकिल स्पोक का तार है, इस तरह से आपको छोटा सा वो बना लेना पड़ेगा। ठीक है, सिलाई मशीन को घुमाना है, जब इसको घुमाइएगा दोस्तों देखिए इधर देखिए, तो अब इस चाप को आप इसको उठा लीजिएगा। ठीक है, देखिए इसको इस तरह से मैं पार किया। ठीक है, देखिए ठीक है उस तरह से, और इसको इधर आगे तरह घुमाएंगे और इसको देखिए ऐसे ऐसे लिए। ठीक है, ताकि मेरा इधर घूमेगा तो ये अपने आप ही समटेगा इस तरह से। ठीक है, चलिए इसको समटे इस तरह से, देखिए है ना, देखिए कुछ भी नहीं है, फिर भी मेरा ये बॉबिन आपका निकलेगा नहीं। ठीक है, देखिए ये फंक्शन देखिए, इधर कुछ भी नहीं है, इस तरह से मैं इसको देखिए इधर इस तरह से मैं इसको समेट रहा हूँ। ओके, देखिए मैंने इसको समेट लिए, ओके काट दिए। अब देखिए ये बॉबिन केस के साथ मैं कैसे सेट कर रहा हूँ, इसी तरह से आपको सेट करना है। ओके हो गया, अब इसको ठीक है, ये मेरा इस पत्ती के नीचे ये फंस गया और ये अब देखिए मेरा, तब ये सुई आपका नीचे नहीं, सुई को ऊपर उठा लेना पड़ेगा। ठीक है, देखिए मैंने सुई को ऊपर उठा लिया, तभी जब इसको ये पत्ती है, ठीक है, इसको आपको इस तरह से कर लेना है और धागा इतना बड़ा आपका रहना चाहिए इस तरह से। अब इसको इस तरह से जैसे कीजिएगा, देखिए आपका ये बॉबिन केस से बॉबिन नहीं निकलेगा। ठीक है, देखिए है ना, निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, तो इसको आपको अंगुली इस तरह से फंसा देना है। ठीक है, इस तरह से मैंने फंसा दिए, इसे पकड़े और ये धागा मेरा इतना इसे रहा। ठीक है, देखिए इतना रहा, ज़्यादा रखिए तभी जाकर के इस धागा को ऊपर खींच लेगा। ठीक है, ये मेरा इस तरह से आपको ये रेडी करना है। ये यहाँ पर जैसे ही आप कीजिएगा, जैसे आपको एक खट से आवाज़ आएगा, ठीक है, तो इसका समझ जाइएगा आपका यहाँ पर सेट हो गया अपने ऊपर तरफ ऊपर पोजिशन। इसको इस तरह से इसको आप नीचे करते हैं, क्या मेरा फोला इस तरह से आपको लगाना है, लगाइए। इसके बाद इधर देखिए, यहाँ पर है, यहाँ पर भी सुई के इस जगह नीचे में, ठीक है, यहाँ पर इसे लगा दिए आप मशीन में, ध्यान को धागा को इधर से पार करना है। ठीक है, देखिए इस तरह से मैंने पार कर लिए, देखिए ये पार हो गया। ओके, अब पार हो गया, अब देखिए पार हो, इसको पकड़ के रखेंगे। ठीक है, इसे रखेंगे, अब देखिए नीचे का धागा ये उठा लिया। ठीक है, देखिए नीचे हो गया, अब सिलाई करके मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरीके से जैसे सिलाई कीजिएगा इसको पकड़ लीजिएगा, ये एक तरीका है, देखिए सिलाई मेरा हो रहा है। चलिए छोटा मशीन को दिखाते हैं, देखिए ये फंक्शन इसका तो थोड़ा टेढ़ा है दोस्तों। छोटा मशीन में आपको ये सीधा रहेगा, सीधा आपको रहेगा। ठीक है, तो सीधा रहेगा, और यदि आपका यदि ये धागा का रील देखिए, यदि ये गोल है तो सही रहेगा। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, आपका पानी उनी कभी यदि पानी भिंजने के चलते क्या होता है, ये इस तरह से यदि चपटा हो जाता है, तो चपटा हो जाने के बाद आपको ये सही सलामत आपको सर्विस नहीं दे पाएगा, मैंने घूमेगा नहीं, सही से नहीं घूमेगा। उस वक्त आपको आप क्या कीजिएगा, या तो आपको यहाँ पर भी एक छेद है, ये छेद यहाँ पर भी इस छेद में भी आपको इस तरह से कांटी लगा लीजिएगा, इस तरह से कांटी लगा करके यहाँ पर भी आप रख सकते हैं, इस तरह से रख सकते हैं, और ये धागा आपको इस तरह से ले जाना है। ठीक है, इस तरह से ले जा सकिए। जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया, इसको इसी तरह टेढ़ा कर लिए, देखिए है ना, ये आपने से बना लिए, सीधा में यदि दिक्कत होगा तो इस तरह टेढ़ा मैंने कर लिए, और इस तरह से आप ये भी एक तरीका है धागा को ले जाने के लिए, और ये भी एक तरीका है, इस तरह टेढ़ा भी कर दीजिएगा तो फिर भी देखिए ये घूमने में सुविधा होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए इसी यही फंक्शन मैं कर रहा हूँ, और यहाँ पर देखिए इधर आइए, में कंडीशन कुछ अलग है दोस्तों। ये देखिए सामने तरफ इसका फंक्शन है, ये है साइड तरफ, ठीक है, ये साइड यहाँ पर भी इस तरह से आप छोटा मशीन में सेट कीजिए, इसके बाद यहाँ पर धागा को पार कीजिए, वही तरीका है। अब यहाँ पर देखिए ये गार्ड है, ये गार्ड इसको भी लगाइए, यहाँ पर सुई का गार्ड है, देखिए है ना, सुई का यहाँ पर गार्ड आपको है, तो ये यहाँ पर लगाइए, इसके बाद आप इस धागा को पार कीजिए। अगर कंडीशन है कि है यहाँ पर भी इस तरह का है, देखिए इस तरह से मैंने पकड़ लिए, इसको ऐसे ऐसे घुसा दिए, इस तरह से आपको बड़ा मशीन की तरह ही सेट करना है। ठीक है, ये मैंने सेट कर लिया, देखिए छोटा मशीन में ये धागा को ले लिए, अब इसको इसे खींच कर रखेंगे, ये फंक्शन, ओके को यहाँ पर सेट करना है। ओके, देखिए यहाँ मैं कैसे कर रहा हूँ, इस तरह से देखिए ये है, यहाँ पर देखिए ये हुक इस गड्ढा यहाँ पर है, या इस तरह से सेट हो जाएगा, देखिए है ना, इस तरह से आपका देखिए खट से आवाज़ हुआ है ना, देखिए ये खट से आवाज़ का यहाँ फंस गया, मतलब ये आपका ओके हो गया। ओके, इस धागा को पकड़ करके और इस तरह से मैंने इसको नीचे वाला धागा को देखिए इस तरह से उठा लिए, ये उठिए, ये हाथ से उठाना पड़ेगा इस तरह से बस, और आप इस तरह से आप सिलाई कीजिए। देखिए ये तरीका मैं आपको दिखा दिया दोस्तों, ठीक है ना, ये छोटा मशीन का है फंक्शन। इस तरीका से आप छोटा मशीन हो या बड़ा मशीन, आपको धागा लगाने का धागा डालने का तरीका मैंने आपको इस वीडियो में आपको दिखा दिए। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। दोस्तों पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह कॉन्टेंट सिलाई संबंधित सिलाई से रिलेटेड आप लोग को वीडियो मेरे चैनल में मिलते रहेगा, बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाइएगा, और नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।